आपके रैप में ऐसा क्या है कि यूथ एकदम से अट्रैक्ट होता है और सिस्टम बदलने की बात होती है, क्योंकि हिंदी ऑडियंस ज्यादा नहीं जानती है, मैं इसलिए वो सुनना भी चाहूंगा। नहीं, हिंदी ऑडियंस क्यों नहीं जानती है? नहीं, मतलब हिंदी ऑडियंस उसकी वो जो 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 पंजाबी भाषा नहीं समझते, वो उसकी ये नहीं समझते कि आप सिस्टम बदलने की बात कर रहे हो। हमारी लैंग्वेज को रीजनल लैंग्वेज कहा जाता है, लेकिन आज किसी भी आप क्षेत्र में जाओगे, बॉलीवुड में जाओगे, किसी और क्षेत्र में जाओगे, तो आप पंजाबी म्यूजिक को सुनोगे। म्यूजिक तो चलेगा जी, मैं उसकी लिरिक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लिखते भी लिरिक्स हैं। तो मेरा शुरू से स्वभाव रहा है कि मैं ऑलवेज बेबाक रहा हूँ। जब भी मैं बोलता हूँ तो मैं अपने दिल से बोलता हूँ, मैं रॉ रहता हूँ, मेरे पे कोई फिल्टर नहीं होता कि जब मैं लिखता हूँ या मैं गाता हूँ तो मैं उस पर फिल्टर नहीं लगाता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग जो मेरे अंदर चल रहा है वो जाने। सो इसीलिए लोग शायद मुझे पसंद करते हैं या कुछ और। कोई ऐसा एग्जांपल अनफिल्टर्ड रॉ की बात जो नहीं, नहीं, मैं बहुत बहुत सारे मेरा हर एक गाना जैसे संजू में काफी हमने बातें सुनी, उसमें जी, क्या उसमें लाइनें क्या हैं उसकी? नहीं, वो उस टाइम के हालात पे निर्भर था। काफी सॉन्ग्स हैं मेरे, हर एक सॉन्ग में लाइक ये बात होती है कि जो मेरे मन में होती है मैं उस बात में कोशिश करता हूँ कहने की। पहले आपकी तरक्की हुई सोहाई से जी, उसके बाद चलते ये गाने तो अभी भी चल रहे हैं, तो अभी कोई म्यूजिक जब आएगा वो भी इंशाल्लाह मैं सोचता हूँ कि लोग उसको पसंद करेंगे। और वो जो बार बार लोग कहते हैं कि साहब आप गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हो, नहीं, गन्स इज नॉट अ बैड थिंग, अपन हमको मालूम होना चाहिए कि उसको यूज़ कैसे करना है और उसके नुकसान क्या हैं, फायदे क्या हैं। सो गन इज नॉट अ बैड थिंग, अगर इतनी ही बुरी है गन तो सरकार लाइसेंस क्यों देती है? मैं यही पूछना चाहता हूँ, उसका पता होना चाहिए हाउ टू यूज़ इट, कहाँ पे यूज़ करनी है, कहाँ पे नहीं यूज़ करनी है, कौन सी बात हमारे हक में है, कौन सी खिलाफ है। तो ये आपसे वोटर पूछ नहीं रहे कॉन्स्टिट्यूएंसी में? मैं तो चाहता हूँ कि मुझसे पूछे, आई विल क्लियर आउट द थिंग्स, मैं उनको बताऊँगा कि बताओ अगर ये इतनी बुरी है तो गुरु साहिबान ने हमारे पाँच ककारों में श्री साहब क्यों दिए? ये हमारे धर्म का, हमारा धर्म इसे हमारे शरीर का हिस्सा मानता है, सो क्यों दी है? अगर आर्मी के पास हथियार हैं वो एक पर्पस के लिए हैं, अगर वो वही आर्मी हमारे लोगों पे तान दे तो दैट्स अ बैड थिंग, उनके पास पर्पस है सेफ्टी के लिए। सो गन्स का बेसिकली जो रीज़न है रखने का वो सेफ्टी है, पर्सनल सेफ्टी है। सो एक लॉ मेकर बनने के बाद आप किस तरह की पॉलिसीज चाहेंगे पंजाब की प्रॉब्लम, आपकी नज़र में पंजाब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पंजाब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को डायरेक्ट इन टच वाला बंदा नहीं मिल रहा, सभी पॉश हो जाते हैं। सो पंजाब के लोग कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, यहाँ पे लोगों के यही है कि सारी कदरों कीमतों को ध्यान में रखा जाए, जो भी बंदा हो वो हम्बल हो, वो इन टच रहने वाला बंदा हो, उनको ऐसे लगना चाहिए कि वो हमारे में से, ये नहीं लगा कि ये ऊपर से कोई राजाशाही बंदा आया। एक हमारे ऑडियंसेस के लिए रैप अगर सुनाना चाहे तो? पता क्या बात है, मैं लगातार 10 दिनों से मैं चल रहा है मेरा बोलना डेली हर एक स्टेज पे, तो मेरा थोड़ा सा गला वोकल कॉर्ड्स स्वेल्ड थे, सो दैट्स व्हाई, दैट्स अ रीजन। मैं नहीं, अगर मैं आपको गा के सुना देता कोई बात। पंजाब मॉडल सिद्धू जी का है, नवजोत सिंह सिद्धू जी का, आपका पंजाब मॉडल क्या है? मेरा पंजाब मॉडल तो यही है कि लोगों को जो वो चाहते हैं, शिक्षा एंड सेहत, दो बेसिक जो नीड्स हैं वो यहाँ की पूरी होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ी सी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, सहूलतों की कमी है, वही पूरे कर दें तो